भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेले जाएंगे 3 T20 इंटरनेशनल मैच, और इन 3 T20 इंटरनेशनल मैच में टूटने वाले कई सारे रिकॉर्ड और होने वाला है बहुत सारा धमाका। तो क्या वो रिकॉर्ड हैं जो टूटेंगे, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा एनडी न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। यहां पर सबसे पहले बात कर लेते कीवी खिलाड़ी यानी कि मार्टिन गप्टिल की। अगर इस श्रृंखला के दौरान यानी कि 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस के दौरान मार्टिन गप्टिल ने यहां पर 81 रन बना लिए तो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जी हां, विराट कोहली को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में अब तक 3,227 रन अपने नाम किए हैं और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं और सबसे ज्यादा रन उनके ही नाम है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो। 81 रन अगर मार्टिन गप्टिल यहां बना लेते हैं तो ये विराट कोहली का रिकॉर्ड टूट जाएगा और पहले पायदान पर चले जाएंगे मार्टिन गप्टिल। और साथ ही साथ उनके पास मौका भी है, एडवांटेज भी है, क्योंकि विराट कोहली इस पूरी श्रृंखला में नहीं खेल रहे हैं। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में आपको विराट कोहली नहीं दिखाई देने वाले क्योंकि टीम की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा, नई टीम होगी, नए कोच होंगे, नए कप्तान होंगे, तो मार्टिन गप्टिल के पास एक अच्छा मौका है। दूसरा जो नंबर आता है वो आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा अगर इस पूरी श्रृंखला में 3 छक्के लगा दें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 450 छक्के हो जाएंगे और उनसे पहले ये कारनामा करने वाले सिर्फ 2 दिग्गज हैं यानी कि क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी। लेकिन अगर वो यहीं इस मैच इस पूरी श्रृंखला में 10 छक्के लगा देते हैं तो मार्टिन गप्टिल के बाद दूसरा नाम आ जाएगा रोहित शर्मा का 150 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर्स में इंटरनेशनल करियर में, यानी T20 इंटरनेशनल की बात करें तो रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। वहीं पर अगर केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल के पास भी एक बड़ा मौका है। केएल राहुल अपने नाम यहां पर एक नया रिकॉर्ड कर सकते हैं। केएल राहुल को यहां पर महज 249 रन बनाने की जरूरत है इस पूरी श्रृंखला में और अगर ऐसा हुआ तो उनके 2000 रन पूरे हो जाएंगे और उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली कर चुके हैं T20 इंटरनेशनल में। और वहीं पर अगर यहां पर ईशान शर्मा एक भी कैच लपकते हैं यानी एक भी कैच अगर वो कर लेते हैं तो 150 कैचेस उनके इंटरनेशनल और घरेलू T20 करियर को मिलाकर पूरे हो जाएंगे। केएल राहुल, यहां पर हमने केएल राहुल का बताया आपको, ईशान शर्मा का बताया। चहल के पास एक बड़ा मौका यहां पर है। चहल के पास बड़ा मौका यह है कि अगर वो कहीं ना कहीं 4 विकेट इस सीरीज में झटका लेते हैं तो T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कोई गेंदबाज होगा तो वो युजवेंद्र चहल होगा। वहीं पर अगर इस पूरे श्रृंखला में वो 8 विकेट अगर अपने नाम कर लेते हैं तो 250 विकेट उनके नाम हो जाएंगे T20 इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट में, जहां पर वो पहले गेंदबाज हो जाएंगे ICC के उस लिस्ट में। तो ये तमाम बड़े रिकॉर्ड हैं जो टूटने जा रहे हैं। विराट कोहली इस बार कप्तान नहीं है, रोहित शर्मा कप्तान है, राहुल द्रविड़ यहाँ इनके कोच हैं और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो टूट सकते हैं इस पूरी श्रृंखला में। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये श्रृंखला होगी, आप ज़रूर देखिएगा इसको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और हमें अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ हमारे इस इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।